ये देखे ना मेरे बेटे के हाथ जो है ना जख्मी हो गया है। इधर टेप लगा दीजिए, इधर इसने टेप लगा दिया कि इसमें ना पानी ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोपहर का हम लोगों ने खाना जाना खा लिया है। अभी मेरे शोहर भी आ गए हैं। जैसा मेरे बहन भाइयों को पता है कि एक हफ्ता हो चुका है हमारा किचन बन रहा है, लेकिन अभी तक बनना नहीं है। तो अभी जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं, पूरी फैमिली मिल के अपने किचन को खुद तैयार करते हैं। तो हाँ जी, आज जो है ना हम लोग सोए नहीं हैं, हमने सोचा कि किचन जो है हम लोग खुद तैयार करते हैं। तो अभी जो है ना मेरे शोहर मेरे बच्चे मिलकर ये जो है ना टीयर जो है ना ये सेटिंग कर रहे हैं, फिर जो है ना हम लोग टाइल लगाएंगे। अभी ये चार टीयर जो है ना जुड़ चुके हैं, मतलब सेटिंग हो चुकी है। तो अभी जो मेरे बेटे उठा के देखें क्या से बेटा क्या से। तो ज़्यादा मुश्किल ये काम है टीयर जो है ना इनकी सेटिंग करनी। तो जब इंशाल्लाह सही से सेटिंग वगैरह हो जाएगी ना, फिर ईंटें जोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ख्याल से जा रहे हैं। ये जो मट्टी है ना तकरीबन तीन दिन हो चुके हैं, हमने पानी में भिगो के रखी थी। तो अभी जो है ना ये मट्टी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मैंने कहा मट्टी को मैं खुद जो है ना तैयार कर लेती हूँ। अब ख्याल से जोड़ना सही है। अभी जी हमारी टाइलें जो है ना वो तो मेरे शोर अभी जोड़ रहे हैं, देखते हैं कब तक जुड़ती हैं। तो वो ये बर्तन पड़े थे, अभी हमने खाना खाया है ना, तो मैंने सोचा ये बर्तन धो लेती हूँ, वेट करना पड़ रहा है खुरे में। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी चार का टाइम भी हो चुका है। गर्मी होती तो फिर तो बिल्कुल जो है ना काम वगैरह नहीं होता। बर्तन तो जी धुल चुके हैं, तो कुछ जो है ना हमारी छत का काम है मेरे ख्याल में जो है ना हो चुका है। अभी आपको दिखाती हूँ। अभी जी ये देखें जो है ना ये तीनों बाप बेटा जो है ना ये कमा रहे हैं। बड़ा बेटा भी ईंटें दे रहा है टहले, दूसरे बेटा भी दे रहा है। तो जी अभी जो है ना हमारी टाइल जो है ना कम हो गई है, तो जो छत पे ईंटें पड़ी थी ना टहले वो अभी जो है ना उतार रहे हैं। तो ऊपर से जो है ना मेरे शोर दे रहे हैं और बेटा जो है ना वो मेरा ले रहा है। तो जी ये जो है ना काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तो अभी जो है ना मेरे शोर नीचे उतर आए हैं। तो डेली का जिसका काम होता है ना वो तो फटाफट काम कर लेते हैं, तो जिसका जो है ना कभी कभार करना पड़े वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन आज ही तो जो है ना टायर जोड़ चुकी है, आज ही जो है ना अभी बाकी जो है ना सेटिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग हो चुकी है। तो टायर वगैरह भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है ना डाल गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखे ना, ये देखें कैसे खूबसूरत लग रही है। आपको थोड़ा मैं कैमरा देती हूँ, आप मेरे बहन को ऊपर का व्यू भी दिखाएं हैं। लेकिन आप कैसे जो है ना माशाल्लाह अच्छा बजा रही है, माशाल्लाह बहन भाई को दिखाएं, आपकी मेहनत थोड़ा दिखाएं। हाँ ये देखें, ये इतने मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए, पूरी छत डल गई। समझ।
तो बहन भाइयों मेरी मेहनत देखें, बेगम सब ऐसे हाल 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 कर रहे थे 4 दिनों के, मेरा किचन नहीं बना। मैं अब राजी हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह था, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मतलब तो एक कमेंट आया था बहन का, कि आप ना मिस्त्री को मजदूरी नहीं देते। ऐसी बात नहीं है, ना अल्लाह किसी का हाथ खिलाए, हम मजदूरी से भी ज़्यादा देते हैं। हाँ, लेकिन वो इत्तफाकन उनके पास टाइम नहीं है। हाँ जी, कहते हैं आ जाएंगे कल आएंगे, फिर आए नहीं है, तो आज मैंने छात डाल लिए। हम लोग किसी का हक नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतना जो है ना दिया हुआ है, दिमाग, जहन, अकल। हम सब आप चाय बना रही, सर में दर्द हो गए 2-3 घंटे धूप पे बैठ के। हाँ। ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब इसका थोड़ा सा काम रह गया, इसकी जो लिपाई कर रहे हैं ना वो गारा बनना पड़ा, कुछ और बनाएंगे फिर लिपाई भी करेंगे। मट्टी तैयार करके अच्छे तरीके से फिर जो है इसकी लिपाई होगी, फिर जो है ना अंदर से सेटिंग तो बाद में मैं करूँगी, पहले बाहर की जो सेटिंग होगी वो ख़त्म कर लेंगे। अच्छा ना, ये अभी मैं चाय भी बना रही हूँ, ये ना ये जो चीज़ है ये बहुत बुरी हो गई है। ये है जी हमारी चीनी शापर फट गया था, तो चीनी जो है हमने पतीले में रख दी है, डेस्क में डाल के रखी। बेगम साहब को हिम्मत नहीं है संभालने किसी डब्बे में, डब्बे और नहीं है ना, ये वाला डब्बा तो ये बस एक फुल हो जाएगा, बाकी तो बच जाएगी, कीड़ा भी पड़ सकते हैं कीड़े। हाँ बहन भाई हमारे चैनल पे आ जाए, जुहेब फियाज उसका नाम है मेरे चैनल का, जुहेब फियाज। हाँ तो काफी बहन भाई पूछते हैं मैं आपके शोहर के चैनल का नाम क्या है, ये जो लोग कहना मेरा शोहर और मेरे बच्चे इन्होंने नाम भी ऐसा रखा है जुहेब फियाज, लेकिन मेरे बहन भाई को समझ नहीं आती, चैनल का नाम है जुहेब फियाज। हाँ ये चाय को मैं कर खड़ कर दिया वो पक्षी रहेगी। तो ये देखे ना अभी कपड़े जमा होना शुरू हो गया है, पहले तो 2 दिन के कपड़े थे, 2-3 सूट वो तो कल मैंने धो लिए थे, लेकिन ये अभी मैंने कहा बस एक दफ़ा मशीन लगाऊंगी फिर मशीन से धोऊंगी, अब फिलहाल मैं जमा कर देती हूँ बस। जो है बेटे को मैंने चूल्हे पे बिठा दिया, मैंने कहा आप चाय तो देखो, मैं ये चाय पे इधर रखती हूँ। जो चार भाई हमने नई बनाई है ना वो मैंने कमरे में रख दिया, ये पहले वाली थी ये ना, ये है भी छोटे साइज की, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, मैंने कहा चलो ये पहले भी जो है ना बहुत गंदी हो गई है ना, चलो ये ख़राब हो जाए, वो तो अभी नई है ना, थोड़ा कुछ दिन उसकी लाश पाश पड़ी रहे। पत्ती कम है, चीनी कम है चाय में ना, क्योंकि शाम वाली जो चाय थी ना उसमें पत्ती चीनी जो है ना मतलब टैट चाय हम तो ये चट हो गया, कहते हैं दूध पत्ती चाय। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, तो अभी बेटा के ट्रे गए जल्दी से ना चार तो जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी आ चुकी है, तो जिस बहन भाई ने चाय पीनी है वो आ सकते हैं हमारे साथ पी सकते हैं, लेकिन मेरे बड़े बेटे के हाथ जो है ना वो जख्मी हो गए हैं, तो वो मुझे दिखा रहा है कि अम्मी जान 5 बेटे के हाथ इसको नजर आ रहे हैं, मेरे हाथ नहीं आ रहे, मेरे भी इसी तरह लाल हो गए, ये देखें ये सारा खून बेटे के, वो अपना बेटा है ना, ये शोर है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं, अभी ना मेरे बेटे जो ऊपर से ईंटें जो है ना इसने ली है ना, ये देखे ना मेरे बेटे के हाथ जो है ना जख्मी हो गए हैं, इधर टेप लगा दी है, इधर इसने टेप लगा दिया कि इसमें ना पानी ना जाए, ये खराब हो जाएगा ना जख्म, ये समझदार है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे जी। ये आज अम्मी ने कहा है भाई किचन की छत डालनी है, और उस छत के चक्कर में ईंटे ऊपर से पकड़ते पकड़ते हाथ ये भी जख्मी हो गया और ये भी जख्मी हो गया, मसला ये अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, आगे 2-3 दिन और भी इसके ऊपर लगाना है। आज इसके हाथ जख्मी हुए हैं तो वो खुद बोल रहा है मैं तक बात जा रहा है, मेरी अम्मी ने जो है ना इतना काम मेरे से करवाया, ये देख मैं अभी पानी पी लो चाय पीनी है, ये देखे हीरो भी आ गए हमारे साथ, ये ऐसे काटता भी है, ये खेलता है हमारे साथ।